आणि आता दीपक केसरकर बोलत आहेत, थेट जाऊयात. की त्यांचा निकाल जर कोणाला मान्य नाही तर त्याच्यावर ते अपील करू शकतात. हे करण्याचा अधिकार कुठल्याही नागरिकाला नाही. आणि ज्या प्रकारे हे सगळं घडलं ते अत्यंत लांछनास्पद आहे. देखिए, जिस दिन रिजल्ट हुआ डिस्क्वालिफिकेशन का जो केस था, उस दिन जो इंसिडेंस मुंबई में हुआ, जिसकी फोटोग्राफ्स छप के आई हुई है, और जिस तरह से राहुल नार्वेकर जी जो विधिमंडल के अध्यक्ष हैं और एक संवैधानिक वो पोस्ट है, उसके बारे में कोई भी ऐसे नहीं कर सकता. ये जो लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा. मैं जल्द ही ये प्रपोजल अपने सब नेताओं के साथ डिस्कस करके लाऊंगा, क्योंकि ये सर्वोच्च सभागृह है और इस सभागृह का कोई अपमान नहीं कर सकता.